नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है वो कर्क राशि के लिए है, जनवरी 2014 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा सूर्य ग्रह के बारे में, जो 14 जनवरी तक धन राशि में भ्रमण करते हैं और 14 जनवरी के बाद सूर्य का भ्रमण जो है वो मकर राशि में हो रहा है। राशि से छठवें भाव में चलने वाले सूर्य 14 जनवरी तक बहुत शुभ है, राजयोग कारक है, रोग शत्रु पर विजय रहेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, पिता से लाभ मिलेगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेकिन 14 जनवरी 2014 के बाद जब सूर्य चलेंगे राशि से सप्तम स्थान में, ये भ्रमण आपके लिए शुभ नहीं है। खास करके आपको दाम्पत्य जीवन में पार्टनर के साथ मुकरता ना हो जाए उसका केयर करना है। मंगल चलेंगे आपके पराक्रम स्थान में, जो शुभ हैं साहस में वृद्धि करने वाले हैं। बुध चलेंगे राशि से सप्तम स्थान में, जो तरंगी योग बनाते हैं, जिसके कारण विचारों में स्थिरता नहीं रहेगी, माइंड वाइब्रेंट रहेगा, जिसको कंट्रोल करना जरूरी है। गुरु चलेंगे राशि से बारहवें स्थान में, जिसके कारण धार्मिक कार्य में शुभ कार्य में खर्च हो सकता है। शुक्र 6 जनवरी से वक्र गति से धन राशि में चल रहे हैं, जो रोग शत्रु पर विजय देने वाले हैं और लग्जरियस एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे। शनि और राहु चल रहे हैं राशि से चतुर्थ स्थान में और केतु चल रहे हैं दसवें स्थान में, जिसके कारण प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कार्य में आपको विशेष ध्यान देना जरूरी है, यदि कोई प्रॉपर्टी का कार्य कर रहे हैं तो। खास करके डेट सबको केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार हैं 4, 5 और 6, जिसके अंदर जो चंद्र है वो कुंभ राशि में रहेंगे। राशि से अष्टम स्थान के चंद्र में आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्राइव में केयर करना है और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में केयर करना है। और डेट सबको केयर करना है 13, 14 और 15, जिसके अंदर चंद्र मिथुन राशि में रहते हैं, जो राशि से 12वें स्थान के चंद्र हैं। 12वें चंद्र में भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ऐसे ही देखते रहिए नए नए प्रेडिक्शंस। सब्सक्राइब करिए चैनल, कमेंट्स करिए चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।